नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएससी के दो जवानों पर एक सिरफिरे ने धारदार हथियार से किया हमला। दोनों जवान गंभीर रूप से हुए घायल। नागरिकों के सहयोग से हमलावर को पुलिस बल ने पकड़ा। एसएसपी ने कहा, घायल दोनों जवान सहित हमलावर को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। हमलावर के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की कार्यवाही। रविवार की देर शाम धारदार हथियार लेकर गोरखनाथ मंदिर में जबरन घुसने के हमलावर को दबोचने वाले घायल जवानों से मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर पहुंचकर सीएम योगी ने की मुलाकात। बढ़ाया उनका हौसला, की उनके साहस और पराक्रम की सराहना। पहले ही कर चुके हैं मुख्यमंत्री घायल जवानों को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा। रविवार को गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा अब्बासी को कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को न्यायालय में किया गया पेश। न्यायालय ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। यूपी एसटीएफ व एटीएस संयुक्त रूप से कर रही है मामले की जांच। रविवार को सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बाद सोमवार को बढ़ाई गई गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था। मंदिर में आने जाने वाले नागरिकों की गहनता से की जा रही है चेकिंग। सीएम योगी ने भी सोमवार की शाम को गोरखनाथ मंदिर स्थित घटनास्थल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में स्कूल चलो अभियान का जंगल कौड़िया ब्लॉक पर कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा किया गया शुभारंभ। जिलाधिकारी ने कहा, स्कूल चलो अभियान के तहत विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिका घर घर जाकर बच्चों के गार्जियन को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए करेंगी प्रेरित। मोहद्दीपुर में सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकान के सामने हुए अतिक्रमण को कराया खाली। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, आगे भी चलता रहेगा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। शहर को बनाया जाएगा अतिक्रमण से मुक्त। जिले में शांति व्यवस्था व कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो रहा है बोर्ड परीक्षा का एग्जाम। जिलाधिकारी ने कहा, सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट व एसडीएम भ्रमणशील रहकर परीक्षा केंद्रों की कर रहे हैं निगरानी। वासंतिक चैत्र नवरात्र के तृतीय दिवस पर गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा के गर्भगृह में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया मां चंद्रघंटा देवी का पूजा। आरती के पश्चात वितरित किया गया प्रसाद। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य वक्ता डॉक्टर बद्रीनाथ ने जर्मनी के शोध संस्थानों में उच्च शोध हेतु जाने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों का किया मार्गदर्शन। और मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में लक्ष्मी नारायण मंदिर में गणगौर महोत्सव का हुआ आयोजन। मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने मंदिर में पहुंचकर किया भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा। पति के लंबी जीवन की कामना। अब खबरें विस्तार से। गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा गेट पर तैनात रविवार की देर शाम पीएससी के दो जवानों पर एक सिरफिरे ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। आपको बता दें, रविवार को मंदिर सुरक्षा में गेट पर तैनात पीएससी के दो जवानों पर एक सिरफिरे ने देर शाम धारदार हथियार से हमला कर दिया तथा ताबड़तोड़ प्रहार कर उसने दोनों जवानों को गंभीर रूप से घायल कर दिया और 10 मिनट तक वहाँ तैनात सुरक्षा कर्मियों से जूझता रहा। लोगों की मदद से सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को पकड़ लिया, जिसकी पहचान मुर्तजा अब्बासी पुत्र मुनीर अहमद अब्बासी जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इस दौरान वह भी घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा घायल दोनों जवानों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिसकी पहचान कांस्टेबल गोपाल गौड़ और कांस्टेबल अनिल पासवान के रूप में हुई है, जो गंभीर रूप से घायल हैं। वही कांस्टेबल गोपाल का कहना है कि उसने हमलावर को काबू करने की कोशिश की तो उसने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया।
जिससे मेरे घुटने के ऊपर गहरा घाव हो गया और मैं संभल पाता इससे पहले हमलावर ने उसकी पीठ और हाथ पर भी हमला कर दिया, जिस पर पीएसी जवान अनिल पासवान ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की तो उस पर धारदार हथियार से प्रहार कर दिया, जिससे अनिल पासवान भी घायल हो गया तथा तभी हमलावर वहां से हथियार लिए मंदिर गेट के अंदर घुस गया। इसी बीच थोड़ी दूरी पर तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अनुराग ने उसे ललकार हमलावर ने अनुराग पर भी हमला कर दिया। तभी एलआईयू जवान अनिल गुप्ता ने भी हमलावर को रोकने की कोशिश की तो वह उससे भी जूझ गया। इसी बीच मौका पाकर अनुराग ने असलहा अपने साथी को थमा दिया और थोड़ी दूरी पर रखे बांस के टुकड़े को उठाकर हमलावर पर प्रहार कर दिया। इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने भी हमलावर को घेर लिया, जिससे लोगों की मदद से सुरक्षा कर्मियों ने उसे धर दबोचा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने घटना की जानकारी ली और घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं एसएसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर घायल हमलावर को जिला अस्पताल भिजवाया, जिस पर हमलावर ने पुलिस की पूछताछ की तो उसने अपना नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी, पुत्र मनीर अहमद निवासी सिविल लाइंस गोरखपुर बताया, जिसके संबंध में एसएसपी ने बताया कि हमलावर के ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा घायल पुलिस कर्मियों व हमलावर का अस्पताल में इलाज चल रहा है तथा इस घटना में अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। टीम को अन्य जनपदों में भी भेजा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार एवं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, धन्यवाद।
हमको पकड़ रहे थे उनके उनके मतलब आप आज शाम करीब 7 बजे मंदिर के जो द्वार है मेन गेट पे खुलता है वहाँ पर हमारे 2 PAC के जवान ड्यूटी पे थे। उनके ऊपर अचानक एक व्यक्ति हमला कर देता है। हाथ में एक लंबा सा हथियार था उसके पास, धारदार हथियार, जिससे वो हमला करता है, जिससे एक सिपाही तो तुरंत इंजर्ड हो जाता है। वो लगातार उस पर हमला करता रहता है। बाकी जब उपस्थित पुलिस कर्मी है उसको जब ये बात पता लगती है और देखता है उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो फिर अपने हथियार को लेके गेट के अंदर भागता है और पास में ही PAC का पोस्ट है वहाँ जाकर हमला करने की कोशिश करता है। वहाँ पे कुछ जो उपस्थित जवान है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो लगातार हमला करता रहता है। फिर एक जवान ने हिम्मत दिखा के अनुराग नाम का हमारा PAC कांस्टेबल है, उसने हिम्मत दिखा के वो उसको पकड़ने की कोशिश, पास में ही धैर्य रखा पुलिस ने, वहाँ पर काफ़ी धैर्य रखा जबकि वो हमला लगातार एक धारदार सब्जेक्ट से रखा था। धैर्य रखते हुए उन्होंने फिर एक पास का बांस प्रयोग करके उसको ओवर पावर करता है। फिर पब्लिक भी आ जाती है और उसको ओवर पावर कर लेती है। जो प्रथम दृष्टया अभी पता चला है कि ये जो व्यक्ति है ये गोरखपुर का ही रहने वाला है, इसका नाम अहमद मुर्तजा है और इसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इस दौरान जब ये हमला कर रहा था तो धार्मिक नारे भी दे रहा था, तो इस पूरे प्रकरण में हम किसी भी पहलू को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, खास करके हम टेरर एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते हैं और सभी पहलुओं पर हम छानबीन कर रहे हैं। 2 हमारे जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे, गोपाल गौड़ और अनिल पासवान, दोनों को चूंकि बगल में ही मंदिर का अस्पताल है उसको तत्काल वहाँ पर उपस्थित पुलिसकर्मियों ने हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ उनका फर्स्ट एड हो जाता है। वहाँ डॉक्टर्स ने बड़े अच्छे ढंग से उसको हैंडल किया, काफ़ी ब्लड लॉस हो रहा था, उसको उन्होंने टाइमली ट्रीटमेंट दी जिससे वो स्टेबल हुए और स्टेबल होने के बाद उनको BRD मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है जहाँ उनके अग्रिम इलाज चल रही है। जो ये व्यक्ति है गिरफ्तारी के दौरान इसको भी इंजरी आ गई है, इसका वर्तमान में इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में और हमारी टीम जैसे ही इसे इलाज पूरा होता है फिर इसको हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की जाएगी और घटना क्यों हुई इस बारे में गहराई से छानबीन की जा सकती है की जाएगी। बहरहाल इस पूरे घटना एक गंभीर घटना है और ये गोरखनाथ पीठ जो है आप सभी लोग जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण संस्थान है, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आवागमन होता रहता है लगातार, उसके प्रदेश में इस घटना की छानबीन गहराई से करने की आवश्यकता है और हम सभी बिंदुओं पर गहराई से छानबीन करेंगे और कठोरतम कार्रवाई इसमें की जाएगी। गोरखनाथ में एक व्यक्ति ने कल हमला करने का प्रयास किया जिसे कि पुलिस कर्मियों ने वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों ने सजगता से उसे निष्क्रिय किया। इसी दौरान जो हमलावर है वो भी घायल हुआ और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, तीनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें कि 307 और 7 CLA एक्ट भी लगाए गए हैं
और इसका रिमांड लिया जाएगा। इससे जो पूछताछ में अभी तक तथ्य सामने आए हैं उसकी पुष्टि के लिए अलग अलग पुलिस टीमें लगाई गई हैं। कुल 5 पुलिस टीमें इसमें अभी लगी हैं और गैर जनपद जो है वहाँ पर भी पुलिस टीमें भेजी जा रही हैं ताकि इसने जो तथ्य लगा बताए हैं उनको हम पुष्टि कर सकें। इससे बरामद वस्तुएं, इसके परिजन, इसके रिश्तेदार, इसका बैकग्राउंड सभी चेक किया जा रहा है। जो आसपास के सीसीटीवी कैमरा है उनको भी देखा जा रहा है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। गोरखनाथ मंदिर के मेन गेट पर रविवार की शाम धारदार हथियार लेकर जबरन घुसने की कोशिश करने वाले आरोपी को दबोचने में अपनी जान की परवाह न करने वाले जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सोमवार शाम खुद गोरखपुर आ गए। उन्होंने हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी को दबोचने के दौरान घायल और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती PSC के 2 जवानों गोपाल गौड़ और अनिल पासवान से उनके पास जाकर मुलाकात की, उनके साहस और पराक्रम की मुक्त कंठ से सराहना की, आश्वस्त किया कि उनके इलाज की सारी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। PSC के इन आरक्षियों और नागरिक पुलिस के आरक्षी अनुराग राजपूत के लिए 5 लाख रुपए इनाम की घोषणा मुख्यमंत्री ने सोमवार को दोपहर में ही कर दी थी। रविवार देर शाम हुई घटना के बाद से ही मुख्यमंत्री लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने बड़ी वारदात को नाकाम करने में घायल हुए PSC के जवानों के समुचित इलाज का भी निर्देश दिया था। जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए घटना के 24 घंटे के भीतर खुद उनके पास आ गए। गोरखपुर पहुंचते ही CM योगी सीधे मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर में भर्ती जवानों गोपाल गौड़ और अनिल पासवान से मिलने गए। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद तीसरे जवान नागरिक पुलिस के आरक्षी अनुराग राजपूत को भी साहसी कार्य के लिए बधाई दी। उन्होंने घायल जवानों से घटनाक्रम की जानकारी ली, उनका कुशलक्षेम जाना, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और उनके शौर्य व साहस की जमकर तारीफ की। वहां मौजूद जवानों के परिजनों से भी CM योगी ने बातचीत की और आश्वस्त किया कि सरकार इलाज में कोई कमी नहीं आने देगी। कैसे हुआ है
आगे छोटे बाबू अंदर नहीं भाई थोड़ा बैठ जाओ भैया भैया जी मनोज कुमार भूवंजन जी की दिशा जी दवाई वाई बार में जाता है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं दवा नहीं हमारे बड़े छोटे भाई हैं नहीं हमको नहीं मालूम आर एच सी गोपाल गौड़ जनपद मऊ कल सर हम लोग मेन गेट पे गोरखनाथ मंदिर के मेन गेट पे ड्यूटी में अलर्ट थे संतरी ड्यूटी पे अलर्ट थे जिसपे एक संदिग्ध व्यक्ति अचानक सा हमलावर एक वो बाकी था जिसे कच्चा नारियल काटकर बेचने वाला जो हथियार होता है धारदार हथियार से वार कर दिया और वार करके अंदर की तरफ गेट के अंदर की तरफ प्रवेश करने की कोशिश की जिसमें हम दोनों भाइयों ने डट के मुकाबला किया और जब तक रही जान तब तक हम लोग यही डटे रहे कि कुछ भी हो इसको अंदर न जाने दिया जाए अंदर अगर जाएगा तो जो आम पब्लिक है जो हमारे दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा घातक पहुंचा सकता है इसलिए हम दोनों भाइयों ने दोनों जवानों ने वहीं पर उसे डट के मुकाबला किया और हम लोगों के बीच हम दोनों जवानों के बीच काफ़ी ज़्यादा हाथी बाही हुई जिससे वो हम लोगों को धारदार हथियार से वार करके मेरे पीठ पे वार किया और पीठ पे वार करने के बाद वो कुछ अल्लाह हु जैसे कुछ वर्ड बोलते हुए अंदर की तरफ प्रवेश किया जिसे हमारे सिविल पुलिस के सिपाही मेन गेट पे थे तो बड़े वाले गेट को लॉक किया और लॉक करने के बाद फिर हम लोग पीएसी के जवान और सिविल पुलिस के सिपाही चारों तरफ से घिर कर ईंट पत्थर का प्रयोग किया जिससे एक ईंट उसके सर पे नीचे गर्दन पे लगी और वो वहीं मूर्छित होकर के नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद हम लोगों ने उसको संपूर्ण रूप से धर दबोचा और धर दबोच करके अपने बड़े अधिकारियों को सुपुर्द किया मुख्यमंत्री जी बाबा जी हम लोगों को बधाई दिए हैं और बताए हैं कि तुम लोग बधाई के पात्र हो और प्रशंसा किए हैं बेटा तुम लोगों को कुछ नहीं होगा और हम लोगों से मिले हैं ये हम लोगों के लिए सराहनीय है और हिम्मत है जी।
जनपद में रविवार को गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा अब्बासी को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि दीवानी न्यायालय के ACJM फर्स्ट के अदालत में आरोपी को पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया, क्योंकि आरोपी ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात 2 PSC के जवान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिस पर दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और आरोपी मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहा था, तभी मंदिर सुरक्षा में तैनात पुलिस ने नागरिकों के सहयोग से आरोपी को पकड़ लिया और सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को 14 दिनों के न्यायिक रिमांड में भेज दिया, जिसकी जांच UP STF व ATS संयुक्त रूप से कर रही है। गोरखनाथ मंदिर में रविवार को सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के बाद मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। इस दौरान सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में आने वाले नागरिकों का गहनता के साथ चेकिंग किया गया तथा नागरिकों के द्वारा कोई सामान या बैग लाया गया था उसका भी सुरक्षा कर्मियों ने बारीकी से चेक किया तथा चेक करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की शाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती PSC के 2 जवानों गोपाल गौड़ और अनिल पासवान से मुलाकात करने के बाद CM योगी ने भी गोरखनाथ मंदिर स्थित घटनास्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि एक सिरफिरे ने रविवार की देर शाम 2 PSC के जवान जो कि मंदिर में तैनात थे उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिससे दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तभी सिरफिरा धारदार हथियार लहराता हुआ मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मंदिर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने नागरिकों के सहयोग से उसे पकड़ लिया, जिसको देखते हुए सोमवार को मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई।
जनपद में जंगल कौड़िया ब्लॉक पर कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि श्रावस्ती जनपद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ प्रदेश के सभी जिलों में किया गया, जिसको देखते हुए जिले में कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा भी स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया तथा स्कूल चलो अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक व अध्यापिका घर घर जाकर बच्चों के गार्जियन को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 30 अप्रैल तक प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा, जो भी बच्चे स्कूल जाने से छूट गए हैं और कोविड की वजह से जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है, उनको चिन्हित करके उनका विद्यालय में दाखिला करवाया जाएगा और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को सक्रिय बनाते हुए पेरेंट्स मीटिंग का भी आयोजन होगा और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष रूप से बल देते हुए काम किया जाएगा। उन्होंने शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता देते हुए पढ़ाई करवाई जाए और विद्यालयों को कायाकल्प योजना के तहत बेहतर बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है, जिससे विद्यालय में स्पोर्ट्स सामग्री, लाइब्रेरी, पोस्टर चार्ट की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही सभी किताबें QR कोडेड हैं, जिसमें अच्छी सामग्री ऑनलाइन वीडियो पर उपलब्ध है, जिससे कि बच्चों में रीडिंग का अभ्यास हो रहा है। गणित भाषा में भी विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़े। इस अवसर पर कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, मैं अपने विद्यालय विकास संघ एवं प्रदेश जनपद में जनपद गोरखपुर में प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश को प्रेरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के अपना अमूल्य योगदान दूंगा। अमूल्य योगदान प्रदान करूंगी। जय हिंद। जय हिंद। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रावस्ती जनपद में स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है और यहाँ पे भी हम शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी और माननीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में उपस्थिति में ये अभियान यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है, जहाँ गांव-गांव में गृह भ्रमण किया जाएगा प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा। जो भी बच्चे स्कूल से छूट गए हैं, विशेषकर जो बच्चियाँ जो ड्रॉप आउट होने की संभावना है, 2 साल के पेंडेमिक के बाद संभावना ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए चिन्हित किया जाएगा, उनका नामांकन सूचित किया जाएगा और अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ जो हमारी हैं, उनके सभी सदस्यों को सक्रिय बनाया जाएगा। पेरेंट टीचर मीटिंग नियमित रूप से आयोजन होंगे और शैक्षिक गुणवत्ता पे विशेष रूप से बल देते हुए काम किया जाएगा। हाँ, एक विशेष मॉड्यूल निदेशालय से प्राप्त हुआ है, जिसमें उपचारात्मक शिक्षा बच्चों के लिए करने के लिए किया गया है। कक्षाओं को आकर्षक एवं मनमोहक बनाने के लिए कायाकल्प के अंतर्गत संतृप्तिकरण की कार्रवाई चल रही है, जिसमें 19 पैरामीटर में संतृप्तिकरण किया जा रहा है। विशेष सामग्री, शैक्षणिक सामग्री जैसे लाइब्रेरी की किताबें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, पोस्टर, कन्वर्सेशन चार्ट्स किया जा रहा है। सभी
हमारे पाठ्यक्रम QR कोडेड हैं, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी सामग्री ऑनलाइन वीडियो में उपलब्ध हैं। दीक्षा ऐप का प्रयोग, रीड अलॉन्ग ऐप का प्रयोग किया जा रहा है, बच्चों को रीडिंग कैंपेन के में जोड़ा जा रहा है, ताकि बच्चों में रीडिंग का एक अभ्यास हो और उनकी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी बढ़े, और गणित और भाषा में विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। ये सारे हस्तक्षेपों को शत प्रतिशत धरातल पर लागू करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं उनका मनोबल ऊंचा रहे, इसके लिए विशेष रूप से प्रयास किया जा रहा है। इस सभी अभियानों को समाहित करते हुए इस अभियान का इस सत्र का शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से किया जा रहा है। उत्सव की तरह आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि बेहतरीन व्यवस्था रहे और शैक्षणिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के और हम अग्रसर हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PSC के दो जवानों पर एक सिरफिरे ने धारदार हथियार से किया हमला। दोनों जवान गंभीर रूप से हुए घायल। नागरिकों के सहयोग से हमलावर को पुलिस बल ने पकड़ा। SSP ने कहा, घायल दोनों जवान सहित हमलावर को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। हमलावर के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की कार्यवाही। रविवार की देर शाम धारदार हथियार लेकर गोरखनाथ मंदिर में जबरन घुसने के हमलावर को दबोचने वाले घायल जवानों से मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर पहुंचकर CM योगी ने की मुलाकात। बढ़ाया उनका हौसला, की उनके साहस और पराक्रम की सराहना। पहले ही कर चुके हैं मुख्यमंत्री घायल जवानों को 5,00,000 रुपए इनाम देने की घोषणा। रविवार को गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा अब्बासी को कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को न्यायालय में किया गया पेश। न्यायालय ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। UPSTF व ATS संयुक्त रूप से कर रही है मामले की जांच। रविवार को सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बाद सोमवार को बढ़ाई गई गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था। मंदिर में आने जाने वाले नागरिकों की गहनता से की जा रही है चेकिंग। CM योगी ने भी सोमवार की शाम को गोरखनाथ मंदिर स्थित घटनास्थल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में स्कूल चलो अभियान का जंगल कौड़िया ब्लॉक पर कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा किया गया शुभारंभ। जिलाधिकारी ने कहा, स्कूल चलो अभियान के तहत विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिका घर घर जाकर बच्चों के गार्जियन को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए करेंगी प्रेरित। मोहद्दीपुर में सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकान के सामने हुए अतिक्रमण को कराया खाली। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, आगे भी चलता रहेगा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। शहर को बनाया जाएगा अतिक्रमण से मुक्त। जिले में शांति व्यवस्था व कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो रहा है बोर्ड परीक्षा का एग्जाम। जिलाधिकारी ने कहा, सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट व SDM भ्रमण सील रहकर परीक्षा केंद्रों की कर रहे हैं निगरानी। वासंतिक चैत्र नवरात्र के तृतीय दिवस पर गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा के गर्भगृह में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया मां चंद्रघंटा देवी का पूजा। आरती के पश्चात वितरित किया गया प्रसाद। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य वक्ता डॉक्टर बद्रीनाथ ने जर्मनी के शोध संस्थानों में उच्च शोध हेतु जाने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों का किया मार्गदर्शन। और मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में लक्ष्मी नारायण मंदिर में गणगौर महोत्सव का हुआ आयोजन। मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने मंदिर में पहुंचकर किया भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा। पति के लंबे जीवन की कामना। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब
पेगस निशान लाए हैं, ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोल घर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने मोहद्दीपुर में सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि महानगर में सड़क के किनारे जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ अभियान चल रहा है, जो कि पहले से ही निर्धारित है कि कब किस रोड पर अभियान चलेगा, जिसको देखते हुए नगर निगम ट्रैफिक विभाग की टीम के साथ मोहद्दीपुर में रोड के किनारे हुए अतिक्रमण को खाली करवाया जा रहा है और अतिक्रमण को खाली कराने के लिए पहले से ही पटरी विक्रेता संघ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ वार्ता की जा चुकी है। उसी क्रम में यह अतिक्रमण अभियान चल रहा है, जिससे कि रोड पर किसी तरह का अतिक्रमण ना रहे। उन्होंने कहा, अतिक्रमण हटवाने में जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जो आगे भी चलता रहेगा। इस अवसर पर SP ट्रैफिक CO कैंट श्याम देवबिंद सहित नगर निगम व ट्रैफिक विभाग की टीम मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव और SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने कहा, जंजीर भी हटाइए, जंजीर भी हटाइए, आप कहिए इस पर।
देखिए यहाँ पे इस पूरे महीने का पूर्व नियोजित जो रास्ते हैं उस पर अतिक्रमण अभियान चल रहा है, जिसमें जो प्रमुख विभाग है सबकी टीमें, इसके अलावा ट्रैफिक और पुलिस की भी टीम हमारे साथ में है। नगर निगम और जिला प्रशासन ने मिलकर अतिक्रमण अभियान चला रहा है और हमारा इस संबंध में हमारी जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो यहाँ के पटरी विक्रेता संघ हैं और जो भी यहाँ के व्यापार मंडल लोगों से वार्ता हो चुकी है, तो उसी क्रम में अतिक्रमण अभियान चल रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शहर जो शहर में रोड पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना रहे और कैरिज वे पूरी तरह साफ रहे और जो भी जिन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, उनको एक जगह चिन्हित की जा रही है, वहाँ पर इनको लगाने के लिए बताया जा रहा है। तो अभी तक अतिक्रमण अभियान बिल्कुल सही से चल रहा है और जनता का इसमें किसी भी तरह से कोई प्रतिरोध नहीं है और सभी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। शहर को स्वच्छ बनाने और यातायात व्यवस्था के लिए स्मूथ करने के लिए नगर निगम GDA और प्रशासन के सहयोग से ये अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, व्यापार मंडल हैं, व्यापारी बंधु हैं, उन सबसे वार्ता करके उनको कन्विंस किया जा चुका है, पूर्व में अवगत कराया जा चुका है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाएगा और ये अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक कि सभी सड़कें, महानगर की सभी सड़कें और गलियाँ अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाती हैं, तब तक ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। इसमें हमें सभी वर्गों का सहयोग भी मिल रहा है और नागरिक लोग इस प्रयास की सराहना भी कर रहे हैं। थैंक यू। जनपद में बोर्ड परीक्षाएं शांतिपूर्वक चल रही हैं, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि बोर्ड परीक्षा को संपन्न कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, SDM सहित सभी मजिस्ट्रेट बोर्ड परीक्षा के केंद्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में बनाए गए कंट्रोल रूम के माध्यम से जिले के सभी विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक के साथ संपर्क स्थापित किया जा रहा है, जिससे शांतिपूर्वक बोर्ड परीक्षा संपन्न हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, हमारे SDM और मजिस्ट्रेट्स और हम सभी लगातार बोर्ड परीक्षा के केंद्रों का अवलोकन कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं। सुगम व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और या कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी CCTV कैमरास को निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम से सभी केंद्र व्यवस्थापकों को, वाय केंद्र व्यवस्थापकों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। शांति से हमारी बोर्ड परीक्षा सम्पन्न की जा रही है। वासंतिक चैत्र नवरात्र के तृतीय दिवस पर गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर स्थित मां दुर्गा गर्भगृह में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने मां चंद्रघंटा देवी की पूजा किया। सायंकाल में गणेश पूजन और भगवती पूजन, पाठ एवं आरती 11 संस्कृत के विद्यार्थियों द्वारा किया गया। आरती तथा पूजन डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी, नित्यानंद तिवारी, शशांक पांडे, विशाल पांडे, मोनू पाठक, रुपेश मिश्रा ने कराया। इस अवसर पर विनय गौतम, अजय सिंह, डॉक्टर गौरी शंकर सिंह आदि उपस्थित रहे। इसके पूर्व आज प्रातः कालबेला में माता चंद्रघंटा का पाठ एवं आरती भी किया गया, तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जर्मनी में अपने वैज्ञानिक शोध का झंडा गाड़ने वाले गोरखपुर के डॉक्टर बद्रीनाथ दुबे ने छात्रों को संबोधित करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को जर्मनी में हो रहे शोध के बारे में अवगत कराया तथा जर्मनी में चल रहे उच्च शिक्षा में शोध के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, पूर्वांचल के छात्र बहुत होनहार हैं और अब जब इनको अवसर मिलता है तो अपने आप को सिद्ध करते हैं। उन्होंने जर्मनी के शोध संस्थानों में उच्च शोध हेतु जाने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शरद कुमार मिश्रा, मुख्य वक्ता डॉक्टर बद्रीनाथ दुबे ने कहा, then you need your CV, so you have to prepare a very good structured CV, for example from your qualification to experience and then recommendation. So here the most important thing is the letter of recommendation. So you have to choose two or three professors which can know you very well, because that's also you need to provide a real truth recommendation letter, because sometimes people write a recommendation to their student and they immediately know that recommendation is not really true. So make sure that your professor, when their professor wrote you, they should put your strong point and also your weak point, and that make a very balanced recommendation letter. That you might need a proficiency certificate. We have already talked about it. If you score high, otherwise the PhD provider in the Germany may reject your application. So either you should convince that you can speak very well English or you can write very well English. मैं प्रोफेसर शरद कुमार मिश्रा, मैं विभाग अध्यक्ष हूँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर गोरखपुर यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी विभाग में। आज बायोटेक्नोलॉजी विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैम्बर्ग जर्मनी से आए हुए जो वहाँ पर साइंटिस्ट हैं सेंटर फॉर सिस्टम बायोलॉजी में, डॉक्टर बद्रीनाथ दुबे, उनका व्याख्यान है। और डॉक्टर बद्रीनाथ दुबे दो व्याख्यान दे रहे हैं। पहला व्याख्यान है जो यहाँ के जो हमारे छात्र हैं उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाए, उनको किस तरह से इंस्पायर किया जाए कि वो अपनी उच्च शिक्षा और उच्च शोध के लिए विदेशों में जाएं, विकसित देशों में जाएं, वहाँ की तकनीकियों को सीखें, वहाँ से एक्सपोजर लें और फिर भारत आकर के भारत देश की सेवा करें। तो पहला जो उनका टॉक है, पहला जो व्याख्यान है, वो इस पर आधारित है। वो हमारे छात्रों को इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ में और USA में उच्च शिक्षा में शोध के लिए जाया जा सकता है, किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है। दूसरा जो उनका व्याख्यान होगा, वो व्याख्यान उनका जो शोध चल रहा है जर्मनी में, वो एक ट्रेन्योर ट्रैक साइंटिस्ट के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, एक पूरी पूरी साइंटिफिक टीम को लीड कर रहे हैं। और वो बैक्टीरिया में जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म होता है, सिग्नलिंग सिस्टम होता है, उसके बारे में वो अपना व्याख्यान दे रहे हैं जिस पे वो वहाँ पर जर्मनी में काम कर रहे हैं। डॉक्टर बद्रीनाथ दुबे ये गोरखपुर के ही हैं, गोरखपुर के ही छात्र रहे हैं, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे डिपार्टमेंट में उन्होंने अपना समय दिया है और व्याख्यान हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर बद्रीनाथ दुबे है, मैं ही गोरखपुर का रहने वाला हूँ और अभी मैं जर्मनी में हैम्बर्ग में टेन्योर साइंटिस्ट हूँ और टीम लीडर हूँ। आज संगोष्ठी का मेन जो पर्पज ये है कि मेरा जो टॉक है वो दो पार्ट में है। पहले टॉक में मैं बच्चों को ये बता रहा हूँ कि वो कैसे जर्मनी में अपना स्टडी के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं अगर आप बाहर से PhD करना चाहते हैं या मास्टर करना चाहते हैं या इवन बैचलर करना चाहते हैं। सेकेंड, मैं अपने रिसर्च के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ पर क्या रिसर्च कर रहा हूँ, किस टॉपिक पे मेरा रिसर्च है, खास करके जो अभी एक
तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो सुनामी आई है कोरोना होने के बाद, मेरा रिसर्च का फोकस उस डायरेक्शन में अभी जा रहा है कि कैसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को टैकल कर सकते हैं इन फ्यूचर। छात्रों का अनुभव बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे, और बच्चे बड़े ही उत्साहित हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आप वहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च का क्या वहाँ पे इन्वायरमेंट है, किस तरह के सुपरवाइज़र किस तरह से हेल्प करते हैं, और गोरखपुर विश्वविद्यालय से क्या वहाँ छात्र हैं। मैंने उन्हें बताया कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से भी वहाँ पे छात्र हैं जर्मनी में, जिनसे मैं मुलाकात करता हूँ, उनसे मेरी बात होती है। तो इसलिए मैं बच्चों को भी बहुत प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से रहते हुए भी आप बाहर जर्मनी में PhD कर सकते हैं। मारवाड़ी युवा मंच गोरखपुर शाखा द्वारा गणगौर महोत्सव का आयोजन साहबगंज स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में किया गया, जिसके संबंध में लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करने आई महिला उमा जालान ने बताया कि यह मारवाड़ियों का त्योहार है तथा यह राजस्थान की प्रक्रिया है, जिसमें कुंवारी लड़कियां गण के रूप में भगवान शिव व गौर के रूप में माता पार्वती की पूजा करती हैं तथा यह पूजा 16 दिन तक चलता है, जिसमें महिलाएं सुबह सुबह दूर्वा लाकर घर पर पूजा करती हैं, जो कि 16 दिनों पर समापन होता है, जो कि सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी पूजा है, जिसको सभी महिलाओं को करना चाहिए। इस पूजा को करने से भगवान शिव व माता पार्वती सभी स्त्रियों की मनोकामना पूरी करते हैं, जिसको देखते हुए सभी मारवाड़ी महिलाएं यहां आकर पूजा कर रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष नवीन पालडीवाल व पूजा करने आई महिला उमा जालान मुक्ता जालान ने कहा, मारवाड़ी युवा मंच गोरखपुर शाखा द्वारा गणगौर महोत्सव का आयोजन किया गया है। मैं शाखा अध्यक्ष नवीन पालड़ीवाल। गणगौर अर्थात गण के रूप में भगवान शिव और गौर के रूप में भगवान माता पार्वती की पूजा की जाती है। होली से 16 दिन तक पूजन करने के बाद आज 17वें दिन पूजन के पश्चात विसर्जन किया जाता है। माता पार्वती जब सती हुई थी उसके बाद आज वो अपने पति के साथ अर्थात भगवान शंकर के साथ कैलाश पे पधारी थी, उसी के उपलक्ष्य में यह उत्सव हम लोग मनाते हैं। बेसिकली यह मारवाड़ और राजस्थान में मनाया जाता है। इसके अंतर्गत जो कुमारी कन्याएं हैं वो अच्छे वर के लिए एवं जो शादीशुदा औरतें हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए इस पूजन को करती हैं। मारवाड़ी समाज की लगभग हर घर से हर महिलाएं यहाँ पे पूजन के लिए आती हैं और पूजन को करती हैं। जो नवविवाहित महिलाएं होती हैं वो 16 दिन तक इसका पूजन लगातार करती हैं, अपने घर में स्थापित करती हैं और आज इसका विसर्जन करने के बाद व्रत का पारण करती हैं। उमा जालान एक मारवाड़ियों का त्यौहार है। यह राजस्थान की प्रक्रिया है। कुंवारी लड़कियां 16 दिन पूजती हैं, सुबह सुबह दूल्हा लाने जाती हैं। शादी के बाद यह एक सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी उच्च स्थिति की पूजा है। इसे सब लोग को करना चाहिए। श्री राधे। मुक्ता जलान, मिसेज मुक्ता जलान। गंगोर सुहागन लड़कियों के लिए होता है। इसकी पूजा सभी सुहागन लड़कियाँ करती हैं। ये राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध पूजा होती है। राधे राधे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा में तैनात PSC के दो जवानों पर एक सिरफिरे ने धारदार हथियार से किया हमला। दोनों जवान गंभीर रूप से हुए घायल। नागरिकों के सहयोग से हमलावर को पुलिस बल ने पकड़ा। SSP ने कहा, घायल दोनों जवान सहित हमलावर को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। हमलावर के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की कार्यवाही। रविवार की देर शाम धारदार हथियार लेकर गोरखनाथ मंदिर में जबरन घुसने के हमलावर को दबोचने वाले घायल जवानों से मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर पहुंचकर CM योगी ने की मुलाकात। बढ़ाया उनका हौसला, की उनके साहस और पराक्रम की सराहना। पहले ही कर चुके हैं मुख्यमंत्री घायल जवानों को 5,00,000 रुपए इनाम देने की घोषणा।
रविवार को गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा अब्बासी को कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को न्यायालय में किया गया पेश। न्यायालय ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। यूपी एसटीएफ व एटीएस संयुक्त रूप से कर रही है मामले की जाँच। रविवार को सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बाद सोमवार को बढ़ाई गई गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था। मंदिर में आने जाने वाले नागरिकों की गहनता से की जा रही है चेकिंग। सीएम योगी ने भी सोमवार की शाम को गोरखनाथ मंदिर स्थित घटनास्थल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में स्कूल चलो अभियान का जंगल कौड़िया ब्लॉक पर कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा किया गया शुभारंभ। जिलाधिकारी ने कहा, स्कूल चलो अभियान के तहत विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिका घर घर जाकर बच्चों के गार्जियन को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए करेंगी प्रेरित। मोहद्दीपुर में सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकान के सामने हुए अतिक्रमण को कराया खाली। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, आगे भी चलता रहेगा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, शहर को बनाया जाएगा अतिक्रमण से मुक्त। जिले में शांति व्यवस्था व कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो रहा है बोर्ड परीक्षा का एग्जाम। जिलाधिकारी ने कहा, सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट व एसडीएम भ्रमणशील रहकर परीक्षा केंद्रों की कर रहे हैं निगरानी। वासंतिक चैत्र नवरात्र के तृतीय दिवस पर गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा के गर्भगृह में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया मां चंद्रघंटा देवी का पूजा। आरती के पश्चात वितरित किया गया प्रसाद। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य वक्ता डॉक्टर बद्रीनाथ ने जर्मनी के शोध संस्थानों में उच्च शोध हेतु जाने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों का किया मार्गदर्शन। और मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में लक्ष्मी नारायण मंदिर में गणगौर महोत्सव का हुआ आयोजन। मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने मंदिर में पहुंचकर किया भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा। पति के लंबे जीवन की कामना। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।